इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा काला दिन जब हीलियस नामक प्लेन में बैठे करीब 121 लोग अचानक से लाश बन गए। ऐसा क्या हुआ था उस प्लेन में? इस बात को जानने के लिए जब दो फाइटर जेट्स को आसमान में भेजा गया तो हीलियस प्लेन के अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। आखिर 34,000 फीट की ऊंचाई पर जब सब लाश बन चुके थे तो इस प्लेन को उड़ा कौन रहा था? 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हीलियस 522 फ्लाइट साइप्रस के लार्नाका से चेक रिपब्लिक जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी, लेकिन इसे बीच में ग्रीस के एथेंस में एक बार रुकना था। सुबह 9 बजे इस फ्लाइट ने उड़ान भरी और उस समय फ्लाइट में 115 पैसेंजर्स के साथ 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस प्लेन को उड़ाने वाले हंस जर्गन मॉर्टन थे, जिनकी उम्र 58 साल थी, जिन्हें 16,900 घंटों के उड़ान का एक्सपीरियंस था। उनके साथ थे को पायलट पेम्पोस चार्लम्बोस, जिनकी उम्र 51 साल थी और इन्हें 7,549 घंटों की उड़ान का एक्सपीरियंस था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोडोमो भी थे। उड़ान भरने के करीब 12 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के तुरंत बाद अचानक से फ्लाइट में एक अलार्म बजने लगा। इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए, क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर अलार्म का इस तरह से बजना दोनों ही पायलट को समझ नहीं आया। धीरे धीरे सिचुएशन ज्यादा गंभीर होने लगी। स्थिति को देखते हुए पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संपर्क किया। जब पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिचुएशन के बारे में बता रहे थे, तभी कॉकपिट पैनल के मौजूद कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। इन अलार्म्स की आवाज की वजह से पायलट की आवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंच नहीं पा रही थी। अब प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजना शुरू हो गया था, जिसका मतलब ये था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों पायलट की दिक्कत अब बढ़ती जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। इधर ये सब जानकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। क्रू मेंबर लगातार पैसेंजर्स को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अब पैसेंजर्स को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। अब तक प्लेन कुल 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। पायलट बार बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। यहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी बहुत कोशिश की संपर्क साधने की, पर कोई जवाब हीलियस फ्लाइट से उन्हें नहीं मिला। वहाँ प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को 1:45 का समय लगता है, यानी कि 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, पर 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। इसके बाद 9:37 पर प्लेन एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में भी पहुंच गया था। 10:12 से 10:50 तक एथेंस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। 10:45 से ज्यादा का समय हो चुका था और प्लेन अभी तक लैंड नहीं हुआ था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने अपने दो सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट्स को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने हीलियस फ्लाइट को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट इस विमान के बेहद करीब आ गया, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। उन्होंने देखा कि प्लेन में को पायलट की सीट पर कोई नहीं बैठा था, वहीं मेन पायलट की सीट पर एक आदमी बेसुध हालत में पड़ा है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और अंदर की हालत देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन पायलट को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि पैसेंजर्स में से किसी ने भी उसे मुड़कर नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर्स की तरफ से उनको कोई रिएक्शन नहीं मिला। लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने ये देखा कि एक शख्स कैबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा। फिर वह इंसान उन्हें कुछ ही पलों में पायलट सीट पर भी दिखाई दिया। इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट्स ने इशारा करते हुए स्थिति के बारे में जानना चाहा। ये शख्स भी पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाया। उसी वक्त प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड में झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वह नाकाम रहा। इसके बाद 12 बजे फ्लाइट के राइट साइड के इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन अब अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर ग्रामेटिको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया। इस हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई। फाइटर जेट के पायलट्स ये हादसा देखकर सदमे में आ गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही यह प्लेन क्रैश हो गया। इसके बाद ग्रीस में इस फ्लाइट की क्रैश होने की खबर आग की तरह फैल गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों के शवों को ढूंढकर बाहर निकाला गया, लेकिन जब हादसे में मरे लोगों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया तो बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई कि प्लेन में मौजूद दोनों पायलट समेत
समेत काफी लोग पहले ही मर चुके थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब दोनों पायलट्स की मौत 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी तो प्लेन को कंट्रोल कौन कर रहा था। जांच में पता चला कि पायलट की मौत के बाद प्लेन को फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास ट्रोडोमो संभाल रहे थे, क्योंकि अंतिम बार एंड्रियास की आवाज ही ATC को सुनाई दी थी। उन्होंने मेडे मेडे कहकर करीब 5 बार मदद की गुहार लगाई थी। एंड्रियास उस प्लेन को कंट्रोल इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास UK कमर्शियल पायलट का लाइसेंस था, पर उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वे बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। पर बावजूद इसके वो प्लेन को घनी आबादी से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जरा सोचिए, अगर यह प्लेन घनी आबादी वाले किसी इलाके में क्रैश होता तो क्या होता। क्रैश के बाद एक्सपर्ट्स ने इस घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू की। प्लेन लेफ्ट साइड में क्यों झुक गया था, इसे लेकर यह पता चला कि प्लेन के लेफ्ट साइड का फ्यूल खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था। तभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के बटन पर पड़ी। ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सब समझ आ गया कि यह हादसा क्यों और कैसे हुआ। दरअसल प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में हवा का प्रेशर कंट्रोल करता है। इसी से बाहर के इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भेजते हैं ताकि प्लेन के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है। कभी इसे मैनुअल किया भी जाता है तो पायलट और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर जांच आगे बढ़ी तो हादसे के कुछ और भी मुख्य कारण पता चले। दरअसल जब ये प्लेन अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था तो वहाँ सर्विस करने वालों ने इसके प्रेशराइज बटन को मैनुअल मोड पर डाल दिया था। प्लेन उड़ाने के समय दोनों ही पायलट्स का इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि प्रेशराइज बटन ऑटोमेटिक मोड पर नहीं मैनुअल मोड पर है। इसके कारण प्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटने लगी और विमान में बैठे लोगों को बेचैनी होने लगी। वो सांस नहीं ले पा रहे थे। पायलट्स ने इस कारण को जानने की कोशिश की लेकिन इस बटन पर उनका ध्यान तब भी नहीं गया। फिर कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया जिससे दोनों पायलट बेहोश हो गए और सभी यात्री और क्रू मेंबर भी धीरे धीरे बेहोश होने लगे, और इसी तरह ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोग दम तोड़ते चले गए। इसके बाद प्लेन ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता गया, लेकिन एक शख्स अभी भी जिंदा था, वो था फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास ट्रोडोमो। दरअसल एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर भी थे, इसी वजह से उन्हें काफी देर तक सांस रोक पाने का अनुभव था, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनकी भी हालत कुछ समय बाद खराब होने लगी। फिर जैसे तैसे उन्होंने प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर दुर्भाग्यवश वह इसमें सफल नहीं हो पाए और प्लेन क्रैश हो गया। इस घटना के 15 महीने बाद ग्रीस के अधिकारियों ने घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि घटना सिर्फ एक बटन की वजह से हुई थी। इस पूरी घटना का जिम्मेदार था प्लेन का वो एक प्रेशराइज बटन। अगर वह बटन ऑटो मोड पर होता तो शायद ये दुर्घटना ना होती और प्लेन में बैठे 121 यात्री शायद आज जिंदा होते। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो से काफी सारी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ आपसे वायरल टॉकीज FM की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।